इस तरह से सब्जी किसी ने बनाई है, अगर नहीं बनाई है तो आज आप ये रेसिपी देखिए और बनाइए, बहुत ही अच्छी बनती है ये सब्जी। और आप कभी बना के देखिएगा, बेसन की गट्टे की सब्जी हम यहाँ बोलते हैं इसको। तो मैंने इसके लिए लिया है 2 चम्मच बेसन, मतलब 2 कटोरी बेसन, कितना भी ले लीजिए। और उसमें मैंने ले लिया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी डाली है मैंने लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डाला है धनिया पाउडर, और मैंने इसमें डाली है आधा चम्मच हींग। हींग जरूरी है क्योंकि पेट में दर्द नहीं होगा इससे। थोड़ी सी डाली है मैंने सौंफ, और अब मैंने डाल दी है थोड़ी सी काली मिर्च, जो ही मैंने साबुत काली मिर्ची डाली है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है साबुत काली मिर्ची से। और इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे हम, और पानी डाल के एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिस तरह से हम पकौड़ी का घोल तैयार करते हैं उसी तरह का घोल हम तैयार कर लेंगे, ये आप देख सकते हैं। और इसको इस तरह से अच्छी तरह से चला लेंगे, ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में रखेंगे। और पानी मैंने गर्म होने रख दिया था पहले ही, और जब हमारा पानी उबल जाए तो हमें इस तरह से इसमें पकौड़ियाँ तोड़नी है। ये देख सकते हैं कि मैं किस तरह से पकौड़ी इसमें डाल रही हूँ, जिस तरह से हम तेल में पकौड़ी डालते हैं उसी तरह से हमें पानी में डालनी है। और पानी बिल्कुल गर्म हो जाना चाहिए, उबलने लगना लग जाए तब डालना है, जिससे कि जो हम पकौड़ी डालेंगे तो वो भी है ना ऊपर आ जाती हैं साथ साथ। ये आप देख सकते हैं कि सारी पकौड़ियाँ बन के ऊपर आ रही हैं, और इसी तरह से हमें सारी पकौड़ियाँ इसमें डाल देनी है। ये देखिए किस तरह से मेरी सारी पकौड़ी ऊपर आ गई हैं। और अब जो हमारा बाउल था जिसमें हमने बेसन का घोल किया था, उसमें हम इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। ये देखिए किस तरह से कि इसमें पानी डाल लेंगे, जो जो बेसन लग रहा था इसका साइडों में, जिसको सबको हमें धो के और वापस हमें इसी में डाल देना है। सबको धो लिया है और जो पानी है इसको हम इसमें डाल देंगे, और इसको अब हम अच्छी तरह से चलाएंगे, और चला के कम 10 मिनट को इसको अच्छी तरह से उबलने देंगे, पकने देंगे अच्छी तरह से। जैसे 10 मिनट तक उबल जाए तब तक के लिए हमें इसको छोड़ देना है, धीरे कम गैस कर देनी है, उबलता रहेगा और हमें बाकी की तैयारी कर लेनी है। यहाँ मैंने ले लिया है 1 चम्मच दही, और इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी कि इसमें जो गुठलियाँ नहीं रहे, एकदम छाछ जैसा, मतलब पतला तो नहीं लेकिन गाढ़ा गाढ़ा छाछ जैसा बन जाए पतला, इस तरह से हमें इनको फेंट लेना है। और अब जब हमारे ये अच्छी तरह से उबल जाए कम से कम 5-10 मिनट, उसके बाद हमें क्या करना है कि ये दही इसमें डालना है और चलाते जाना है, अच्छी तरह से हमें चलाते रहना है, और इसमें इस तरह से इसको दही को डाल देना है। और अब हम इसको जब तक चलाते रहेंगे, जब तक कि दही इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता, दही पकने लग जाएगा तब तक, क्योंकि जब नहीं अगर हम छोड़ देंगे तो ये दही हमारा फट जाएगा। और इस तरह से उबलने लग जाए जब हमें इसे छोड़ देना है, और फिर से इसको धीरे धीरे आँच पर उबलने देना है। और अब हमें कर लेती हैं तड़के की तैयारी। तो मैंने 2-3 हरी मिर्ची बारीक वाली काट ली है, और एक लाल हो गई थी उसको मैंने लंबा काट लिया है। और अब मैं इधर मसाला तैयार कर लूँगी, जिसमें मैंने थोड़ी सी, जैसे 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, और उसमें इस तरह से पानी डाल के और एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। मैंने यहाँ लहसुन प्याज का यूज नहीं किया है, आप खाते हो तो आप लहसुन प्याज का यूज कर सकते हो। आज मेरा व्रत था तो मैंने लहसुन प्याज नहीं डाला है इसमें, इस तरह से लहसुन कूट के भी हम डाल सकते हैं। बिना लहसुन प्याज के भी ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। और अब मैंने इसको रख दिया है बगल वाली गैस पर, और वो वहाँ छोटी वाली गैस पर उबलती रहेगी, यहाँ हम तड़के की तैयारी करेंगे। एक पैन ले लिया है और इसमें डाला है मैंने सरसों का तेल, और सरसों का तेल हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाए, जब हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़े से डाल देंगे हम तेज़पत्ता, और हमें जो सूखी लाल मिर्ची होती है वो डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। और 1/2 टीस्पून हम डाल देंगे हींग, और जो हमने हरी मिर्ची काट के रखी थी वो डाल देंगे। इनको अच्छे से इस तरह से पका लेंगे, जब ये पक जाए थोड़ी सी, तो उसके बाद हमने जो मसाला बना के रखा था उस मसाले को इसमें डाल देंगे, और इसको हम अच्छी तरह से चला देंगे। और जो मसाले की कटोरी है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पूरा मसाला इसमें डाल देंगे, और अब हम इसको पकने देंगे अच्छी तरह से। जब तक पकाएंगे, जब तक कि मसाला हमारा तेल नहीं छोड़ने लगे, मतलब मसाले से तेल निकलने लगे, तब तक हमें इसको अच्छी तरह से पका लेना है, इस तरह से चलाते हुए। और इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, मतलब कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, ओनली फुल कलर के लिए डाला है, टेस्ट के लिए मिर्ची मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। और इसको इस तरह से पकाना है, आप देख सकते हैं कि किसने अच्छे से जाली हमारे मसाले में पड़ गई है, और हमारा मसाला बन के तैयार हो गया है, अच्छी तरह से जाली पड़ गई है, ये देखिए।
और अब हमें जो ये मसाला है, हम इसको मसाले को डालेंगे उसमें जो हमारी सब्जी बन रही है, गैस पे उबल रही है अभी भी, और ये मसाला बिल्कुल तैयार है। और अब ये मसाला हम डाल देंगे इस सब्जी में। ये सब्जी आप कभी बनाइएगा, और किस किस के यहाँ पे ये सब्जी बनाई जाती है इस तरीके से, किसने बनाई है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से सब्जी जिसने नहीं बनाई है वो इस तरह से बना के खाइएगा, गट्टे की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी भी बनती है। और ये देख सकते हैं कि मैंने सारे इसमें थोड़ी सी सब्जी इसमें डाल के जो मसाला लग रहा था वो भी इसमें डाल दिया है। और अब इसको थोड़ी सी कम गैस पे थोड़ी देर के लिए हमें इसको उबाल लेना है, 5-3 सेकंड के लिए उबाल लेना है। और जैसे ही सब्जी उबल जाएगी, हमारी सब्जी देखो बनके तैयार है, मेरी उबल गई थी सब्जी, और अब इसमें मैंने डाल दिया है हरा धनिया, और ये सब्जी हमारी बिल्कुल बनके रेडी है आप देख सकते हैं। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।